उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान अनूठा नजारा देखने को मिला। आसमान से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश हुई। इस अनूठी पहल ने यात्रा के माहौल को और भी उत्साह और श्रद्धा से भरपूर बना दिया। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर हर की पौड़ी समेत कई स्थानों पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। मुख्यमंत्री धामी खुद हरिद्वार के ओम घाट पहुंचे और कांवड़ियों के पैर धोकर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कांवड़ियों से बातचीत की और हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा भारत की सांस्कृतिक धरोहर और बड़ा धार्मिक आयोजन है और उत्तराखंड सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। इधर रुड़की में कांवड़ियों के दो गुटों में विवाद हो गया। डीजे को लेकर कांवड़ियों के दो गुटों में खूब लाठी डंडे चले। बवाल से मची भगदड़ में कई लोग घायल और चोटिल हुए हैं। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा अपने पूरे चरम पर है। लक्सर में इस बार सावन बिना बारिश के ही सूखा नजर आ रहा है। यहां चिलचिलाती भीषण गर्मी हो रही है और कांवड़ियों की लंबी लंबी कतारें रुड़की लक्सर मार्ग पर नजर आ रही हैं। वहीं कांवड़ियों के बीच खाकी अपनी ड्यूटी पूरी सेवा भाव के साथ निभाती नजर आ रही है। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल खुद रुड़की लक्सर मार्ग पर जगह जगह पुलिस पॉइंट का निरीक्षण कर यातायात को सुचारू रखने में लगी हैं। उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को जाम जैसी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए SSP के निर्देश पर सभी बंदोबस्त किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि डाक कांवड़ का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। लक्सर से जो हमारा नगला इमरजेंसी डाइवर्जन है वो चालू हो गया है। यहाँ से डाइवर्जन होकर हम इन्हें गाड़ियों को बैराजी की तरफ भेज रहे हैं। SSP सर के निर्देशन में पूरी हम लोगों ने कोशिश करी है कि जितने भी कांवड़ यात्री हैं तथा इनके साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनको किसी भी प्रकार के जाम या किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए हमने सहयोग ले रहे हैं तथा जगह जगह पर हमारी ड्यूटीज लगी हुई है। हम निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी जाम की स्थिति ना हो। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।